A very warm good morning, everyone. How are you? Everybody fine? I'm Ruchi Gupta, your EVS teacher. Beta, today we will read lesson 3rd. Which lesson? Lesson 3rd. The name of lesson 3rd is our We Can Sense. The name of lesson 3rd is We Can Sense. हमारे सेंस होते हैं. एवरीबडी नो व्हाट इज द मीन ऑफ सेंस ऑर्गन्स. क्या आप सबको पता है सेंस ऑर्गन का मीन्स क्या होता है? सेंस ऑर्गन कितने होते हैं हमारे? हाउ मेनी सेंस ऑर्गन वी हैव? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन. विच वन? आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन. ओके स्टूडेंट्स, today we will read this lesson, then I told you everything, okay? It was Sanya's ear that helped her to hear and recognize the sound of her father's car. ये सानिया के कान हैं जो कि उसकी help करते हैं जब उसके पापा आते हैं तो उसके अपने पापा की कार की आवाज़ पहचानने में. कौन help करता है? ear. ईयर क्या बताते हैं? साउंड सुनते हैं. हम साउंड किससे सुनते हैं? ईयर से. आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर आर सेंस ऑर्गन्स. अंडरलाइन इट. आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आर सेंस ऑर्गन्स. अच्छा, ये बता सकते हैं कि बेटा आई, आई में एस क्यों लगा? आईज क्यों लिखा? ईयर्स क्यों लिखा? नोज, टंग एंड स्किन में क्यों नहीं? बिकॉज आईज, वी हैव 2 आईज. जब कोई 2 चीज़ होती हैं तो हम एस लगाते हैं. 1 से ज़्यादा चीज़ होती हैं तो हम क्या लगाते हैं? एस का यूज़ करते हैं. प्लूरल बन जाता है वो. एंड ईयर ऑल्सो वी हैव 2. ईयर भी हमारे कितने होते हैं? 2. तो 1 से ज़्यादा है तो हम इसको प्लूरल बना देंगे. तो ईयर्स, नोज वी हैव 1, टंग वी हैव 1 एंड स्किन इज ऑल्सो 1 इन आर होल बॉडी. दे हेल्प अस टू फील एंड सेंस थिंग्स. वो हमारी मदद करती हैं फील करवाने में और चीज़ों को महसूस करवाने में. अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास होती है. वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच विद आर 5 सेंस. हम क्या करते हैं? देखते हैं. वी कैन सी. अंडरलाइन इट. वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, टच विद आर 5 सेंस ऑर्गन. हाउ मैनी सेंस ऑर्गन वी हैव? रिपीट विद मी. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन. आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन. क्लियर? आईज हेल्प अस टू सी, ईयर्स हेल्प अस टू हियर, नोज हेल्प अस टू स्मेल, टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्किन हेल्प अस टू फील. स्किन क्या हेल्प करती है? फील करवाने में. क्लियर? या फिर टच, कि कैसा टच है ये हमारी. आर सेंसेस आर क्लोजली लिंक्ड विद आर ब्रेन. जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस होते हैं, वो किससे किससे क्लोज होते हैं, किससे टच होते हैं? वो ब्रेन से लिंक्ड होते हैं. उनका कनेक्शन कहाँ होता है? ब्रेन से. एक छोटी सी चीज़ है, हम अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो देखते के साथ ही हम बता देते हैं ये छोटी है, ये बड़ी है, ये ब्लैक कलर की है, ये वाइट कलर की है, या ये मोटा है, ये पतला है. कैसे? हाउ? बेटा, हमारी आईज से हम सी करते हैं. ओके? एंड ब्रेन उसे मैसेज देता है. ब्रेन के थ्रू वो पता लगाते हैं. क्लियर? दिस. और जैसे ईयर है, हमें आवाज़ सुनाई दे रही है तो हमारा ब्रेन बोलता है कि आवाज़ आ रही है, जाओ. मतलब ये ब्रेन टच होता है, लिंक्ड होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन ब्रेन से.
है ना, और फिर ये ब्रेन के थ्रू वर्क करते हैं। दे सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन विच टेल्स अस व्हाट टू डू। वो ब्रेन को मैसेज देते हैं और वो पूछते हैं कि उन्हें क्या करना है। दिस हेल्प अस टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। ये अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग बिहेव किए जाते हैं। सेंस ऑर्गन्स, अब हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे सेंस ऑर्गन्स। फर्स्ट आइज, फर्स्ट है हमारा आइज। यू सी हेयर, ये हमारी आइज है, ये आईलेट्स हैं, क्लियर, ये हमारी आईलेट्स हैं। आइज आर द ऑर्गन ऑफ साइट, दे हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट That is close or far, moving or stationary. Its color, shape, size and other thing. Eyes वो organ हैं जिससे हम देखते हैं, वो हमारी देखने में help करती है। लेकिन क्या चीज़ देखने में? जो हमारे चारों तरफ होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि मान लीजिए मैं स्कूल में हूँ और स्कूल में बैठे बैठे मैं चाहती हूँ दिल्ली में क्या हो रहा है मैं देख लूँ, तो क्या मैं देख सकती हूँ, क्या मैं सी कर सकती हूँ? नो मैम, क्या सी कर सकते हैं? जो मैम के चारों तरफ हो रहा है, मैम के अराउंड अस हो रहा है, जो मेरे आसपास मुझे दिखाई दे रहा है वही चीज़ मैं देख सकती हूँ, है ना। उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है और दूसरी चीज़ें हम सब देख सकते हैं। हम कितनी बार ऐसा नहीं होता, मम्मा को देख के पहचान लेते हैं, मम्मा हमें कुछ कहती नहीं है बट मम्मा हमें ऐसे देखती हैं तो हम पहचान जाते हैं, ओह मम्मी को गुस्सा आ रहा है, और मम्मी प्यार से स्माइल करके देखती हैं तो हमारी आईज उसको देख करके बता देती हैं, नहीं मम्मा खुश हैं इस टाइम। तो कौन हेल्प कर रहा है ये सब कुछ देखने में हमें? ये सब कुछ देखने में हमें हेल्प कौन कर रहा है? आईज। कौन हेल्प कर रहा है? आईज। आर आईज आर प्रोटेक्टेड बाय द आईलेट्स। आईज हमें किस चीज़ से रक्षक, आईज की जो आईलेट्स होती हैं, देखिए बेटा ये मैंने मैम ने बताया ये आईलेट्स होती हैं हमारी पलकें, ये हमारी रक्षा करती हैं आईज की। विच कैन बी क्लोज टू प्रिवेंट डस्ट और अदर पार्टिकल्स और एक्सेस लाइट फ्रॉम एंट्रिंग द आईज। आर आईज ऑल्सो हेल्प इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग। आईज क्या करती है? धूल मिट्टी वगैरह से जो आईलेट्स होती हैं ना, वो हमारी आईज में धूल मिट्टी वगैरह जाने से बचाती है। और वो जो एक्स्ट्रा लाइट्स आती हैं, जैसे सन रेजेज आती हैं एक्स्ट्रा, ये सब कुछ आती हैं, तो इनसे भी हेल्प करती हैं, हमें बचाती हैं। और बहुत सारी फीलिंग्स से क्या करती हैं वो, हमें बताती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। सेकेंड थिंग इज ears, second ears, ears help us to hear all kinds of sound like loud, soft, sharp, dull, pleasant and unpleasant. ear क्या help करते हैं हमें? बहुत तरीके के, आप इसको underline भी कर सकते हैं। ears help us to hear all kinds of sound like loud, soft, sharp, डल, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। ईयर हेल्प करते हैं हमें हर तरह की आवाज़ सुनने में, कि लाउड चिल्ला के बोल रहा है, सॉफ्ट बोल रहा है, शार्प बोल रहा है या डल बोल रहा है, प्लीजेंट या अनप्लीजेंट। ऐसा होता है ना जब मम्मा आवाज़ लगाती हैं, जोर से लगाती हैं, इधर आओ, तो क्या होता है, हम समझ जाते हैं मम्मा गुस्सा है, तो वो हमें तेज़ आवाज़ आई। कोई हमें प्यार से बोलता है बेटा इधर आओ, तो हम समझ जाते हैं इट्स सॉफ्ट आवाज़ है, ये सॉफ्ट आवाज़ है, इट मीन्स ये प्यार से बोल रहा है हमें। तो ईयर्स हमें उस साउंड से हेल्प करवाती हैं सुनने में। आर ईयर्स आल्सो हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज डेंजर्स लाइक द बार्किंग ऑफ डॉग्स एंड ब्लोइंग ऑफ अ हॉर्न। और क्या करते हैं ईयर? हमारी हेल्प करते हैं डेंजरस, खतरनाक आवाज़ों से, जैसे कुत्ते का भौंकना या फिर हॉर्न का बजना। द ईयर्स ईयर हियर द साउंड्स एंड सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। ईयर क्या करते हैं? आवाज़ सुनते हैं और ब्रेन को मैसेज देते हैं
द ब्रेन टेल अस टू बी केयरफुल एंड मूव अवे। और ब्रेन हमें क्या बताता है, सावधान रहो और भाग जाओ या यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो ब्रेन ही हमें मैसेज देता है। मैंने बताया ना कि हमारे सेंस ऑर्गन किससे टच होते हैं, ब्रेन से, लिंक्ड होते हैं ब्रेन से। वी नीड टू ईयर्स टू बी एबल टू लोकेट द सोर्स ऑफ अ साउंड, दिस हेल्प अस टू हियर क्लियरली। हमें दो कानों दो वी नीड टू ईयर्स टू बी एबल टू लोकेट द सोर्स ऑफ अ साउंड। हमें दो कान होते हैं जो कि हमें वहाँ के साउंड के बारे में बताते हैं, जो हेल्प करते हैं, दे हेल्प अस टू हियर क्लियरली। उन दोनों कानों से हम क्या करते हैं, साफ सुनते हैं। क्लियर, आज हम इतना ही चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट जो आपका वर्क होगा वो होगा ये, फर्स्ट वी राइट डाउन डेट, फर्स्ट वी राइट डाउन डेट, यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे। देन यू राइट डाउन क्लास वर्क, देन लेसन थर्ड, फिर वी कैन सेंस, आप इसको लिखेंगे ड्रॉ एंड कलर सेंस ऑर्गन्स, आईज, आईज की पिक्चर, ईयर्स, ईयर की पिक्चर, नोज, नोज की पिक्चर, टंग, देन यू टंग की पिक्चर, स्किन, फिर स्किन की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, ये आपका वर्क होगा। थैंक्स बेटा।